हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 बेस्ट फ्लैगशिप और ऑन अल्टीमेटेड स्मार्टफोनों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी 20,000 के प्राइस पॉइंट पर एक न्यू फोन बाय करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, आपके लिए इस प्राइस पॉइंट पर कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फोन हमने काफी तरह के सिलेक्ट किए हैं। इन फोनों के अंदर आपको किसी फीचर को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये फोन अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने स्पेक्स के हिसाब से, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G82 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.6 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 86.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, अपग्रेड टू एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा। 128GB प्लस 6GB रैम का बेसमेंट दिया गया है फोन के अंदर। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 50MP का विद OIS के साथ, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मैन कैमरे के अंदर। मैन कैमरे से आप 1080p/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5 का जैक फोन के अंदर दिया गया है, स्टोरेज इशू के साथ आता है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0। फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 30W फास्ट चार्जिंग को। बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। इस फोन के अंदर आपको एंटीटू स्कोर जो है 3 लाख प्लस अराउंड देखने को मिलेगा, लाइक 4 लाख के अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 173g का वेट है, 8mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। इस फोन के प्राइस आपको 19,999 देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला रियलमी की तरफ से, Realme 10 Pro 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.72 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 680 nits की पीक ब्राइटनेस, 89.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। Realme UI 4.0 का एक्सपेन देखने को मिलेगा। 128GB प्लस 6GB रैम का बेसमेंट दिया गया है फोन के अंदर। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है। मेन कैमरा आपको डुअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 108MP का, 2MP का डेप्थ, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 1080p/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है, स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0। फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 33W फास्ट चार्जिंग को। 29 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजिली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के एंटीटू स्कोर के बारे में। इस फोन का एंटीटू स्कोर आपको 4 लाख प्लस अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 190g का वेट है, 8.1mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 19,999 देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला वीवो की तरफ से, IQ G7 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.38 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा। 90Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सपोर्ट है। 1300 nits की पीक ब्राइटनेस, 84.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर एस्कॉर्ट एक्जेनेशन ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का मीडियाटेक Dimensity 920 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। फंटोस 13 का एक्सपेरियंस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन की वेरियंटी के बारे में। ये फोन आपको 128GB प्लस 6GB रैम के बेस वेरियंट में देखने को मिलेगा। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है। मेन कैमरा आपको डुअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 64MP का विद OIS के साथ, 2MP का डेप्थ, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर।
मैन कैमरे से आप 4K वाइड हंड्रेड एफ मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, 3.5 का जैक फोन के अंदर दिया गया है। यूएसबी की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद ओटीसी कनेक्ट। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 4500 एमएच की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 44 वाट फास्ट चार्जिंग को। 25 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजिली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको 173 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा, 7.8 एमएम की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 18,999 देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट फोन के बारे में जो कि रहने वाला है वीवो की तरफ से, वीवो T2 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा चिपसेट देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.38 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 84.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाले प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। फंटोस 13 का एक्सपेरियन देखने को मिल जाएगा। 128GB प्लस 6GB रैम का बेस मैंट दिया गया है फोन के अंदर। मेन कैमरा आपको डुअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल का विद OIS के साथ, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 1080p वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, 3.5 का जैक फोन के अंदर दिया गया है। यूएसबी की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद ओटीसी कनेक्ट। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 4500 एमएच की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 44 वाट फास्ट चार्जिंग को। 25 मिनट में आप इसको 50% ईजिली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 172 ग्राम का वेट है। 7.8 एमएम की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 18,999 देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और इन फोन में से जो भी फोन आपको ज़्यादा बेस्ट लगा हो उस फोन को आप अपनी नीड एंड ब्यूटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हमारा भी।